Hi friends, how are you all? I hope all of you are very good. This is shakriti So friends, today we are discuss about of physiology of hearing. Friends, in the last video we had study about of air. So uh, air, uh, uh division of air, external air, middle air, and inner air. So uh, now we are discussing about of physiology of hearing. So let's start. फ्रेंड्स फर्स्टली जो हमारी ऑडेबल रेंज होती है वो ट्वेंटी टू ट्वेंटी थाउजेंड हर्ट होती है जो हमारे सुनने की जितनी कैपेसिटी होती है वो ट्वेंटी टू ट्वेंटी थाउजेंड हर्ट तक होती है नेक्स्ट इज जो ह्यूमन ईयर होता है कैन मोस्टली कैन मोस्ट फ्रिकेंटली ईयर इज़ साउंड बिटवीन जो साउंड होता है वो फाइव टू फाइव थाउजेंड फाइव टू फाइव हंड्रेड टू फाइव तक होता है एंड uh, तक फ्रिक्वेंटली इसकी होती है ह्यूमन की एवरी साउंड प्रोड्यूस साउंड वेव्स जो प्रत्येक जो साउंड होते हैं वो साउंड वेव्स को प्रोड्यूस करते हैं मीन्स जो हमारा साउंड हमारे एयर एयर uh, तक आता है तो वो साउंड वेव्स को प्रोड्यूस करते हैं द आरिकल डायरेक्ट साउंड वेव्स इनटू द एक्सटर्नल अर्जी देन जो आरिकल होता है यानी कि जो हमारा पिन्ना होता है वो डायरेक्टली साउंड को एक्सटर्नल एर्जी कैनाल में पुश कर देते हैं आगे हम लोग देखेंगे डायग्राम में देखेंगे सो और अच्छे से समझ आ जाएगा पहले हम थ्योरेटिकल देख लेते हैं सो so, uh, औरल जो होता है यानी कि पिन्ना जो होता है वो आगे की तरफ एक्सटर्नल और जिक कैनाल में जो साउंड वेव्स होती हैं उनको पास करता है देन जो साउंड वेव्स होती हैं वो एयर ड्रम को स्ट्राइक करती हैं एंड जो एयर ड्रम होता है उसके बाद एयर ड्रम जो होती है वो वाइब्रेट हो जाता है एंड एयर ड्रम कनेक्ट करता है मैलस से एंड मैलस भी जाके मेलस भी वाइब्रेट हो जाता है देन जो वाइब्रेशन होता है वो मेलस इनकस यानी कि जो मिडिल ईयर के जो मेलस इनकस होते हैं स्टेप्स होते हैं ये जो तीनों वोन्स होती हैं ये मिडिल लेयर की होती हैं देन जो वाइब्रेशन होता है वो मेलस में मेलस से इनकस में पास होता है देन स्टेप्स में पास होता है उसके बाद क्या होता है फ्रेंड्स उसके बाद ये जो आ, ये जो साउंड वेव्स होती हैं वो ओवल विंडो में पुश हो जाती हैं आगे की तरफ देन ओवल विंडो जो होता है वो एक फ्लूड प्रेशर फ्लूड प्रेशर वेब्स को सेटअप करता है लिम्फ में जैसे कोकलिया का कोकलिया कोकलिया में लिम्फ को सेटअप uh, करता है देन नाउ देयर इज़ वेव मोशन उसके बाद जो वेव मोशन होती है वो इंडो लिम्फ में जाती हैं देन दैन नर्व उसके बाद क्या होती है फ्रेंड्स उसके बाद जो कॉकलियर होती हैं जो नर्व्स इन नर्व्स जो होती हैं हमारी यानी कि जो बेस्टिबुलर कोकुलियर नर्व होती हैं मीन्स ये जो बेस्टिबुलर कोकुलियर नर्व होती है एट क्रेनियल नर्व होती है ये ये क्या करती है ये ही हमारे जो साउंड वेव्स होते हैं उनको मैसेज के फॉर्म में हमारे ब्रेन तक पहुँचाती हैं so, uh, सो में पहुँचने के बाद ये जो इम्पलस होती हैं वो बेस्टिवलर कोकलियर नर्व के थ्रू ब्रेन तक पहुँचती हैं देन द नर्व इम्पल्स रीच टू देयरिंग एरिया उसके बाद जो इम्पल्स होती हैं जो साउंड वेव्स होती हैं वो कन्वर्ट हो जाती हैं इम्पल्स में देन इम्पल्स जो होती हैं वो हेयरिंग एरियाज जहाँ से हम सुनते हैं वहाँ तक पहुँचती हैं ऑन द दम सो फ्रेंड्स इस टाइप से ये जो हो गया हमारा फिजोलॉजी ऑफ एयर बट अब हम देख लेते हैं एक बार डायग्राम में सो so, और अच्छे से हम लोगों को क्लियर हो जाएगा सो फ्रेंड्स फर्स्टली इतना जान लेते हैं कि जो हम जो ऑडिबल रेंज होती है यानी कि जितना हम लोग सुन सकते हैं तो ये कंप्लीट ऑडिबल रेंज जो होती है वो ट्वेंटी टू ट्वेंटी थाउजेंड हर्टेज तक एक्सटेंड रहती है एंड ह्यूमन ईयर जो होती है उसकी फ्रिक्वेंसी जो होती है हेयर करने की वो फाइव हंड्रेड टू फाइव थाउजेंड हर्टेज तक होती है अब देखते हैं फिजोलॉजी ऑफ एयर सो फर्स्टली साउंड जो होता है वो साउंड वेव्स को प्रोड्यूस करता है साउंड जो होता है वो साउंड वेव्स को प्रोड्यूस करेगा हेयर यू कैन सी साउंड वेव्स देन जो साउंड वेव्स होती हैं वो एक्सटर्नल ऑर्जी कैनाल में जाती हैं हेयर यू कैन सी एक्सटर्नल ऑर्जी कैनाल में जाती हैं देन मेलेस में देन जो ये हमारा टिम्पेनिक मेम्ब्रेन यानी कि ईयर ड्रम होता है ईयर ड्रम जो है ईयर ड्रम पे स्ट्राइक करती हैं देन ईयर ड्रम ये जो होता है ये बाइब्रेट हो जाता है फ्रेंड्स ईयर ड्रम जो होता है वो बाइब्रेट हो जाता है देन बाइब्रेट हो जाता है इसके बाद ईयर ड्रम जो है, मैलस होता है वो मेलेस से कनेक्ट रहता है आप यहाँ पे देख सकते हैं And, जो ईयर ड्रम है वो मेले से कनेक्ट होता है सो मेलस मेलस में पहुँच जाती हैं हमारी जो साउंड वेव्स होती हैं एंड जो मेलस होता है वो इनकस से कनेक्ट रहता है जो हमारा मेलस है ये इनकस से कनेक्ट होता है सो so, जो हमारी साउंड वेव्स होती हैं वो इनकस में पहुंच जाती हैं देन इनकस में पहुंचने के बाद जो हमारी साउंड वेव्स होती हैं वो स्टेप्स में पहुंचती हैं कैन सी स्टेप्स सो so स्टेप्स में पहुंचती है हमारी ये मिडिल ईयर ही है हमारा है मिडिल ईयर के तीनों बोन्स में पहुंचने के बाद स्टेप्स में पहुंच गया सो so स्टेप्स में पहुंचने के बाद ये ओवल विंडो ये हमारा जो ओवल विंडो है यहाँ पे हमारी साउंड वेव्स पहुंच जाती हैं देन यहाँ पे क्या होता है जो ओवल विंडो ये इनकी कोकलियर के पैरिल्फ में फ्लू प्रेशर को सेटअप किया है तो ये वाइब्रेशन होगा सो वाइब्रेशन होने के बाद जो नर्व होती है यानी कि जो साउंड वेव्स होती हैं वो एम्पल्स में कन्वर्ट हो जाती हैं सो so, ये इम्पल्सेज जो होती हैं वो बेस्टबुलर कोकुलियर कोकुलियर नर्व तक पहुंचती हैं एंड वेस्टिबुलर कोक्यलियर नर्व जो होती है वो जो इम्पल्सेज हैं वो हमारे हयरिंग एरियाज़ तक पहुंचा देती हैं सो so, इस इस टाइप से फ्रेंड्स हम लोगों ने देखा फिजियोलॉजी ऑफ हेयरिंग So, friends, I hope uh, this video has been helpful for you. So, thanks for watching.